हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद रोमिंग फैमिली। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लाइफ के कुछ बातें एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ट्रैवल रिलेटेड सारे वीडियोस आपको वीकेंड में मिल जाएंगे। आज मंगलवार, हनुमान जी को प्रणाम करके हम शुरू करेंगे हमारा लाइफ के मेन मोटो, इच्छा शक्ति यानी विल पावर। हर मनुष्य का जीवन में सबसे जरूरी होते हैं। एक कामयाब इंसान और दूसरे लोगों के बीच का फासला ताकत या ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि संकल्प का कमी है। ये दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। जो कल बीत गया उसे आप बदल तो नहीं सकते, पर आने वाले कल को तो बेहतर आप बना ही सकते हैं। इच्छा शक्ति ही सफलता का कुंजी है। सफल लोग उदासीनता, संदेह या भय को दूर करने के लिए अपनी इच्छा को लागू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या महसूस करते हैं। खुद को संभालने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और दूसरों को संभालने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ चाह वहाँ राह मिलते हैं। अगर हम कोई काम अपनी इच्छा से करें तो हमें ज़रूर उसमें सफलता मिलती है। चलिए अब इच्छा शक्ति के बारे में एक कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुजी, जल, अग्नि, वायु ये सब तत्वों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तत्व कौन सा है? गौतम बुद्ध ने उन्हें जवाब दिया कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली पत्थर है, क्योंकि वो कठोर है। पर लोहे का हथौड़ा पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, इसलिए लोहा पत्थर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। पर अगर हम बात करें आग की, तो वो आग लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि लोहार आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसमें से मनचाहा आकर दे सकता है। पर आग चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, पर जल में इतना ताकत होता है कि वो आग को शांत कर देता है, इसलिए जल आग से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन इस जल के बने हुए बादलों को वायु कहीं से कहीं उड़ाकर ले जाता है, इसलिए वायु जल से भी अधिक शक्तिशाली होता है। किंतु हमारी इच्छा शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो तो इन वायु की दिशा को भी मोड़ सकती है। इसलिए सबसे अधिक कोई तत्व शक्तिशाली है तो वो है हमारी इच्छा शक्ति। मनुष्यों को इच्छा शक्ति से बलशाली तत्व और कोई नहीं होते हैं। यदि हम कोई काम अपनी इच्छा से करें तो हमें सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए हमें अगर सफल होना ही है तो कोई भी काम अपने इच्छा से करना चाहिए, क्योंकि हम सफल तभी हो पाते हैं जब हम दूसरे को नहीं बल्कि खुद अपनी इच्छा से कोई काम में अपना 100% देते हैं। अपनी इच्छा से शुरू हुआ काम कभी भी रुकता नहीं है और उसमें हमेशा सफलता ही मिलती है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए आपको कैसे लगी, और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा ट्रैवल वाला ब्लॉग आपको वीकेंड में मिल जाएगी।